अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मीना का किचन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ ढाबा स्टाइल में चने का सालन, जिसे आप सुबह नाश्ते में भी खा सकते हैं और चूँकि रमज़ान आ रहे हैं आप इसे सहरी में भी बना के खा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ और स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हम इसे कैसे बनाते हैं। लेट्स गो। डेढ़ प्याली हमने चने लिए हैं बॉईल किए हुए, चार हमने टमाटर लिए हैं उसका हमने पेस्ट बना लिया है, 3 अदद मीडियम साइज की प्याज है उसका भी हमने पेस्ट बना लिया है। सबसे पहले 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टीस्पून नमक, 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला और 3 से 4 कटी हुई हरी मिर्च। चलिए जी, तो पकाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने कढ़ाई ले ली है और इसमें हम 1 कप ऑयल शामिल कर देंगे। और इसे गर्म होने देंगे। चलिए जी, हमारा ऑयल गरम हो चुका है। अब इसमें हम अपना प्याज का पेस्ट शामिल करते हैं। और इसे 4 से 5 मिनट तक पका लेते हैं ताकि इसका जो थोड़ा बहुत पानी है प्याज में वो ड्राई हो जाए। चलिए जी, हमारे प्याज यहाँ पर 3 से 4 मिनट तक हमने फ्राई कर लिए हैं। अब हल्का हल्का सा पानी ड्राई हो गया है, साथ ही हम इसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे ताकि वो भी इसके साथ ही सही से भून जाए। ज़्यादा हमने प्याजों को कलर नहीं देना इसमें, बस हल्का सा प्याज का पानी बस ड्राई करना है। अभी से हम 2 से 3 मिनट के लिए लहसुन अदरक के पेस्ट को भी फ्राई कर लेंगे। दो से तीन मिनट हो चुके हैं, हमारा लहसुन अदरक भी फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें अपना टमाटर डालते हैं जो हमने पेस्ट बना के रखा हुआ था। टमाटरों को भी हम 4 से 5 मिनट तक पका लेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर। चलिए जी, 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें अपने स्पाइसेस शामिल कर लेते हैं, लाल मिर्च, नमक, हल्दी और धनिया पाउडर। गरम मसाला हम लास्ट में शामिल करेंगे। बहुत ही अच्छा चनों का सालन बनता है, ढाबा स्टाइल हम चने में बना रहे हैं। देखिए, हमारा मसाला अच्छे से भून चुका है, मसाले और टमाटर सही से। अब इसमें हम अपने चने शामिल कर देते हैं। चनों को हमने ज्यादा देर नहीं भूनना, बस 2 से 3 मिनट जस्ट। दो से तीन मिनट चनों को भूनने के बाद इसमें हम पानी शामिल करते हैं। अब हम इसमें 1 से 1.5 कप पानी शामिल करते हैं। आप अपने हिसाब से देख लें आपने जितना डालना है। चलिए जी, देखिए हमने पानी शामिल कर लिया है।
अब हम इसे कवर करके 7 से 8 मिनट तक पकाएंगे, क्योंकि हमारे चने बॉईल हुए हैं तो इसलिए इतना टाइम नहीं लगेगा अभी से। चलिए मिलते हैं 7-8 मिनट बाद। 7 से 8 मिनट हो चुके हैं, हमारा सालन पक चुका है और ये ऑयल भी ऊपर आ चुका है। अब इस पे हम जो हमने गरम मसाला शामिल नहीं किया था वो डाल देंगे, पिसा हुआ गरम मसाला हिला लेंगे अच्छे से। अब इसमें हम धनिया कटा हुआ अदरक और हरी मिर्च कटी हुई छिड़क लेते हैं ऊपर। चलिए धनिया छिड़क लेते हैं। इसे आप चपाती, नान, रोटी, पूरी जिसके साथ चाहें मर्जी खाएं, बहुत ही अच्छे बनते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मुझे मेरी वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जरूर बताया करें। इसी के साथ ही मैं आपसे इजाजत चाहूंगी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा।